मुझे अच्छा लगेगा कि हमारा इंटरक्शन जो है ना वो कैमरा ऑन करके हो क्योंकि जानते हो बेटा एक चीज जान जाना न केवल ऑनलाइन क्लास में बल्कि ऑफलाइन में भी आप जब भी टीचर से बैठ के बात करते हो तो एकदम बिल्कुल बराबर होके बात करते हो बेटा पढ़ाई का मतलब ही यही होता है तो आप सब लोग कैमरा ऑन करो ओम इसको बैग में रखो तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है रखिए तो बैग में एक मिनट रुक जाइए मैं रख पाऊंगा थैंक यू श्रीयश और ये अच्छी आदत है सुयस so, yes, बिना टाइम गवाए तुरंत ऑन करता है वेरी गुड सुयस और कभी कभी तो बोलना भी नहीं पड़ता इज़ ऑलवेज रेडी चलिए तो आप सब लोग इंटरक्ट कर रहे हो देखो बेटा डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीज है जितनी भी बात है उन सबको हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छा एक बात बताओ एक बार क्या हुआ कि सांभवी जो है वो प्रकृति को लेकर के अपने पापा से मिलाती है कि पापा देखिए प्रकृति मेरी दोस्त है और ये बहुत अच्छी दोस्त है तो सांभवी के पापा बोलते हैं कि अच्छी दोस्त है और बहुत जल्दी बन गई है और हमको तो भाई सांभवी को हमेशा चाहिए अच्छे अच्छे दोस्त हों इसके लेकिन पढ़े लिखे अच्छे दोस्त हों तो अब सांभवी के पापा क्या करते हैं प्रकृति से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति किस तरह की बच्ची है तो वो क्वेश्चन मैं पूछता हूं प्रकृति से और देखता हूं कि आ, सांभवी की अच्छी दोस्त बनने वाले गुण है कि नहीं प्रकृति में प्रकृति आर यू रेडी प्रकृति आर यू रेडी यस सर ओके नाउ प्रकृति टेल मी वन थिंग इन विच क्लास यू आर स्टडिंग चलो ठीक है ये उसके सेम के क्लास की है ठीक है अच्छा प्रकृति इन विच सेक्शन यू आर एंड विस्ट इन सेक्शन यू आर ए ए सो इन लास्ट इयर्स हमने देखा था बिफोर कोरोना एंड बिफोर दैट की अ मैनर दैट बेटर स्टूडेंट्स आर इन ए बी एंड देन आफ्टर न्यू सेक्शंस आर फॉलोड बट नाउ दिस इज नॉट यूजली टेकिंग प्लेस in this in this uh, uh, you can say it's scenario so it is good a and h can be a very good friend okay now where do you stay where is your residence what's your address uh, five point road okay, number okay. 12. then then it means that case sambhavi and prakriti are not neighbors it means uh, then how this prakriti uh, has come in contact with sambhavi okay no problem okay uh, prakriti tell me what about your last year marks how many percentage did you score in class 7 75% 75% is a good total okay सांवी व्हाट इज योर परसेंटेज 76 ओके okay, 76 सांवी व्हाट इज योर परसेंटेज सर 60% 60% ओह ऑफ कोर्स प्रकृति इज अ वेरी गुड फ्रेंड ही सी विल इंप्रूव सांवी आल्सो बिकॉज़ मार्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सांवी इज गुड टू चूज दैट गर्ल तो सांवी के पापा खुश हुए वेरी गुड मोगाम्बो इज हैप्पी टुडे बिकॉज़ सांवी ने अपने दोस्त को अच्छा चुना है अपने से अगर ये पता चलता कि प्रकृति या साधवी वो दोस्त को चुनती जिससे पूछते कि अच्छा बेटा तुम बताओ तुम्हारा एज कितना है तो ट्वेंटी और बेटा यह बताओ कि तुमने में में मतलब क्यों 8 में हो तो मैंने छह बार सिक्स क्लास में फेल किया था ओ माय गॉड आपके पापा सांधवी के पापा अगर प्रकृति से कुछ पूछे तो इसका मतलब वो क्या कर रहे थे बेटा डेटा हैंडलिंग वो क्या करते थे वो तुमसे पूरा का पूरा कलेक्ट रहे थे। हाँ, और डेटा कलेक्ट करके तुम्हारा आइडिया ले रहे थे कि तो प्रकृति किस तरह की लड़की है और सांभवी का डेटा प्रकृति के पापा कलेक्ट करेंगे कि सांभवी किस तरह की लड़की है समझ गए और जब मैं बात करूंगा तो आपके पापा मेरा डेटा कलेक्ट करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर आई एम समझ में आ रहा है मतलब दिस इज दिस इज अ वेरी रेगुलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस वी ऑल आर यूजिंग दिस प्रोसेस एंड वी ऑल आर हैविंग एंड बीइंग वेरी मच यूज्ड ऑफ इट ओके तो अगेन डेटा हैंडलिंग इज नथिंग बट टू कलेक्ट डाटा अब जैसे मान लो सुयस के पापा ने मेरे से बात करना है, स्टार्ट किया बोला सर यू आर अ टीचर या या ओके सर हाउ मेनी इयर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन कैम इन टू एग्जिस्टेंस मैं बोला इट इज अबाउट टेन ईयर्स तो सुयस के पापा अच्छा दस साल से अगर ये आदमी पढ़ा रहे हैं तो जरूर थोड़ा बहुत जानते ही होंगे नहीं तो दस साल में तो दुकान छोड़ के निकल गए होते क्या तो चलो थोड़ा जानते होंगे अच्छा सर आपने कोई टेंथ का बच्चा पढ़ाया है क्या हाँ तो सर उसका कोई मतलब रिजल्ट विजल्ट लाया है क्या अच्छा कहीं किसी स्कूल में मतलब ऑफ कोर्स 2019 में टॉपर है हमारे सेंट uh, माइकल का 2019 में टॉपर है हमारे डॉन वास्को का मुकुंद नाम है रोहन वत्स नाम है समझ गए तो बोले चलो अच्छा सर आप अगर मान लिया जाए ये कहते हैं कि आपने पढ़ाया भी और आपके बच्चे टॉपर भी आए तो सर एक बात और बताइए कि वो जो आप नाम दे रहे हो उसका कोई प्रमाण है क्या कि सच्ची में वो आपके बच्चे हैं तो हम जरा पूछे मैं बोला ऑफकोर्स डॉक्टर राजीव कुमार पांडे बोरिंग रोड में क्लिनिक है उनका डॉक्टर है वो और मेरे व्हाट्सएप पे उनका नंबर है देख लीजिए मेरे व्हाट्सएप को और मेरा फोटो उसके साथ बच्चे के साथ देख लीजिए आप यूट्यूब पे देख लीजिए यहाँ देख लीजिए वहां देख लीजिए तो बोले ओ तब तो लगता है ठीक है मतलब कि झूठी बात नहीं कर रहे हैं मतलब डेटा को क्या कर रहे हैं उनके पापा एनालिसिस कर रहे हैं हैंडल कर रहे हैं कि हम जानकारी इकट्ठा कर, कर रहे हैं ठीक है ना मुझे अब ओम को डीएवी स्कूल में भेजना है मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ओम डीएवी स्कूल में पढ़े तो मैं डीएवी का डेटा खंगालता हूं कि दिस स्कूल में पहले तो ये देखो कि बच्चे कितने पढ़ते हैं तो इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं मतलब डीएवी स्कूल एक अकेला स्कूल नहीं है हर एक स्टेट में इसके स्कूल के परचम लहरा रहे हैं और डी स्कूल से हमारा धोनी भी पढ़ के निकला डी स्कूल से हमारा अच्छा अच्छा एंकर न्यूज एंकर बैठ के बता रहा है नीरज चोपड़ा बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है तो डी स्कूल से इतने अच्छे अच्छे कंगना रनौत वहाँ के स्टूडेंट है तो और डी स्कूल से हमारी ये सांभवी भी है वही के स्टूडेंट तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नहीं नहीं डीएवी स्कूल के पास न केवल नंबर है फिर मैं देखता हूँ डी स्कूल में जो बड़े बड़े डीएम हैं बड़े बड़े आई ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि डी ए वी रिकगनाइज स्कूल है डी ए वी का रैंकिंग क्या है पटना में तो ट्वेल्थ के मामले में ये रैंक वन को भी टच करता है तो मतलब डी ए वी स्कूल का जो हमने डाटा लिया तो इससे ये पता चलता है कि उसका डाटा बहुत अच्छा है तो हम अपने बच्चे को उसमें एडमिशन करा सकते हैं क्लियर है बेटा Yes, अच्छा yes, अब अब ध्यान देने की जरूरी यह है कि जब हम प्रकृति का डेटा यूज कर रहे थे तो हम ये चीज के लिए यूज कर रहे थे कि सामवी की अच्छी दोस्त बनने लायक है कि नहीं जब मैं सुयस का डेटा यूज कर रहा था या सुयस मेरा डेटा यूज कर रहे थे सुयस के पापा तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक अच्छे टीचर हैं कि नहीं जब मैं अपने बेटे के लिए डीएवी स्कूल का डेटा यूज कर रहा था तो इससे ये पता चल रहा था कि डी ए वी स्कूल हमारे बच्चे के लिए यानी कि किसी भी बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल हो सकता है या नहीं समझ गए अब मान लिया जाए बैडमिंटन खेलने में बहुत बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है वैष्णवी को तो हम बैडमिंटन कोच से मिलते हैं बोलते हैं हाँ जी सर आप क्या कराते हैं तो बैडमिंटन कोच बोलते हैं हम बैडमिंटन कराते हैं तो मेरी आ, मेरे बच्चे हैं जो बैडमिंटन सीखना चाहते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट हॉकी का है तो उतना हाँ हाँ हॉकी भी करा देंगे हम सर हॉकी भी करा देंगे बैडमिंटन भी करा देंगे हॉकी भी करा देंगे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है ये कभी कभी फुटबॉलो बोलती है कि खेलेंगे अरे सर आप चिंता काहे के लिए करते हैं सर हम फुटबॉल भी खिला देंगे तो बोलते हैं कि सर आप एग्जैक्टली exactly बताइए कि आप कौन सा गेम वैष्णवी को अच्छे से सिखा दीजिएगा बोले सर वो चिंता आप नहीं कीजिए वो हमारा जो खेलेगी वो खिला देंगी तो ये तो बड़ी डाउटफुल केस है भैया हमको वैष्णवी को नेशनल लेवल पे बैडमिंटन सिखाना है या नेशनल लेवल पे हॉकी सिखाना है तो हम पूछते हैं सर आप इसके पहले बैडमिंटन सिखाए हैं क्या नहीं नहीं अभी तो एक दो को बच्चा है घड़े का वो खेलता है हम देखते हैं ऐसे बैडमिंटन देखते रहते हैं वो अच्छा खेलता है जहाँ इधर उधर होता है तो कॉक उठा के दे देते हैं फिर सामने से खिलाने लगते हैं लड़ाई नहीं होने देते हैं सर और फुटबॉल में बोले फुटबॉल का सारा जानकारी है फुटबॉल में कितना हवा भरना है चेक कर देते हैं टाइट देख लेते हैं और अच्छा रहता है फुटबॉल ही खिला देते हैं आज तक तो कोई ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जो आपसे खेल के वो नेशनल खेला हो बोले तो नेशनल का होता है मैं बोला कि अरे फुटबॉल जो आप खिलाए हैं कोई बच्चा ऐसा टॉपर बना है बोला इसमें टॉपर क्या बनना है फुटबॉल शाम में खेलना है घर जाना है फिर दूसरे दिन आगे फुटबॉल खेलना है बस ये ध्यान रखना है कि पाँव पाँव ना टूट और बैडमिंटन बोले बैडमिंटन के आजकल बच्चा खेलने के बाद मार पिटाई उसी से कर लेता है तो बैडमिंटन बचा के लाना है बचा के ले जाना है कॉक के साथ खेलना है मार पिटाई सबसे पहले खेले ना खेले मार पिटाई से बचाना है बच्चे को कि चोट ना लग जाए <laughs> तो मैंने उसका पूरा डेटा खंगाला फिर बाद में मैं फीडबैक दिया कि भैया ये वैष्णवी के लायक बैडमिंटन कोच नहीं है ये फुटबॉल कोच भी नहीं है कैसे पता चला बेटा उसका डेटा हमने उससे एक ओरल इंटरव्यू से लिया है ना क्लियर वैष्णवी ऐसे आदमी से सीखना था तुमको बैडमिंटन no, तो हम क्या डेटा अब चलिए आते हैं अंबानी की एक कंपनी का और हम उस डेटा को देखते हैं कि हाउ दिस डेटा कैन बी मेड वेरी फ्रूटफुल इन द मैनर ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंपनी ओके सो ऑल ऑफ यू आर रेडी

तो यहां पे जब ये कंपनी स्टार्ट की है तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले कि एक 500 वर्कर को इन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स को इन्होंने क्या किया 500 वर्कर्स को इन्होंने काम दिया ठीक है और यहां जो है पेट्रोकेमिकल कंपनी थी तो इन्होंने पेट्रोल इन्होंने क्या किया कि पेट्रोल जो है वो लगभग टेन टू द पावर सेवन मतलब एक करोड़ लीटर इसको हम कह सकते हैं एक करोड़ लीटर पेट्रोल जो है ना उन्होंने क्या किया कि इतना लेटर, इतना लीटर पेट्रोल को प्यूरिफाई किया और इतने लीटर को पेट्रोल को उन्होंने समझो बेचा ठीक है 500 वर्कर के मदद से क्या समझे और ये 500 वर्कर जो है ना ये जब इतना लीटर पेट्रोल बिका तो इनका फायदा हुआ एक करोड़ का एक करोड़ रुपए का इनको फायदा हुआ और ये जो ये जो ईयर था, कौन सा साल था तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये मान लो ईयर था 2000, ठीक है इस समय में इन्होंने इतना बेचा और एक करोड़ का फायदा उठाया एक साल जब बीत गया तो 2001 में इन्होंने और 500 आदमी को ज्वाइन करा लिया मतलब अब हो गया टोटल आदमी कितने एक हजार और इस साल में इन्होंने क्या किया कि एक दशमलव पांच इंटू एक करोड़ लीटर यानी हम कह सकते हैं डेढ़ करोड़ लीटर का इन्होंने पेट्रोल का बिजनेस किया पहले इन्होंने एक करोड़ लीटर का किया था अब कितना किया डेढ़ करोड़ लीटर का बेटा म्यूट करो अगर किसी का अनम्यूटेड है तो या कुछ पूछना है तो पूछिए बोलिए बेटा चलिए और यहां पे इनको जो प्रॉफिट होने वाला था वो हुआ वन पॉइंट टू करोड़ रुपए का समझ गया अब आया 2002 2002 में इन्होंने और पांच सौ मजदूर को ज्वाइन कराया नौकरी दिया और इसमें टोटल इनको ढाई करोड़ रुपए का फायदा हुआ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो इन्होंने बेचा वो लगभग टू पॉइंट एट करोड़ लीटर बेचा समझ गए अब कम, अब कंपनी के मैनेजर जो हैं जब 2002 के बाद कंपनी के मैनेजर से धीरू भाई अंबानी बात करते हैं तो उनके पास ये डाटा है एक साथ तो बताओ वो क्वेश्चन क्या क्या करने वाले हैं देखो पहले बोलेंगे भैया पहले साल तो फायदा था एक करोड़ रुपया आदमी थे पांच सौ दूसरे साल आदमी कितने हैं है ना तो फायदा कितना हुआ एक मतलब दो करोड़ करोड़ मतलब कम हुआ कि ठीक हुआ खुश होने वाली बात है कि बुरा होने वाली बात है खुश होने हम्म 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 नो सर आदमी डबल हो गया बेटा और फायदा डबल नहीं हुआ तो ये खुश होने वाली बात क्या है ये तो दुखी है ना एक रुपया से दो रुपया होना चाहिए एक करोड़ से कितना होना चाहिए दो करोड़ दो करोड़ तो मान लिया जाए हम करोड़ को जो है ना यूं करते हैं आपको थोड़े छोटे नंबर में दिखा देते हैं करोड़ थोड़ा बड़ा होता है तो मैं इसको रुपया में कर देता हूं ये है तुम्हारा दस रुपया ठीक है ऐसा करते हैं इस नंबर को थोड़ा इजी कर देते हैं तो मैं बताता हूं पहले जो था वो था दस करोड़ अब हो गया बारह करोड़ और अब हो गया हमारा पच्चीस करोड़ तो दस करोड़ था अब बारह करोड़ है दो ही करोड़ बढ़ा बटकी आदमी कितने बढ़ गए पांच सौ है ना अच्छा पहले जो है वो एक करोड़ लीटर बनता था अब डेढ़ करोड़ लीटर बन रहा है मतलब डबल ये भी नहीं बढ़ा अरे भाई सेलिंग डबल होना चाहिए ना आदमी डबल है तो क्या बोलो तो ये तो दुख हुआ ना उसको कि भैया यहां पे कुछ कमी है इस वाले स्लॉट में तुमने जो नया 500 आदमी को जो तुमने डाला है वो उतना मन लायक काम नहीं कर पाया है चलो आगे बढ़ते हैं 2002 में तुमने 500 आदमी डाला और देखो तो सही कि 12 करोड़ के बाद वो 500 आदमी जुड़ा है और कितना कर दिया प्रॉफिट सर दुगना से ज्यादा दुगना से ज्यादा 25 करोड़ मतलब ये जो नया वाला जो 500 आदमी आया वो आदमी तो तूफान मचाने वाला था भाई गजब का काम करके दिया नहीं आखिर क्या बदलाव आया ये सब क्वेश्चन पूछेगा ना अंबानी अब देखो आगे बढ़ते हैं काम कितना बढ़ा ये डेढ़ करोड़ लीटर था अब तीन करोड़ लीटर से थोड़ा कम है नहीं लेकिन लगभग एक करोड़ लीटर से ज्यादा काम किया है वो ये पांच सौ मतलब जो पहले का स्लॉट इनका चल रहा था उस स्लॉट से बड़ा काम किया है नहीं बेटा बोलो यस सर yes, yes, समझ में आ रहा है आपको प्रकृति कि पहले स्लॉट में एक करोड़ लीटर था लेकिन दूसरे में सिर्फ आधा करोड़ बढ़ा लेकिन तीसरे में एक करोड़ से ज्यादा बढ़ गया एक दशमलव तीन करोड़ लीटर बढ़ गया मतलब यह बताता है कि बहुत अच्छा है अगर हम इसको भी नंबर को कुछ कम कर देते हैं मतलब इस नंबर को इजी कर देते हैं तो यहां पे दस करोड़ लीटर यहां पंद्रह करोड़ लीटर और यहां अट्ठाईस करोड़ लीटर करते हैं तो पॉइंट का कैलकुलेशन थोड़ा तो इजी हो जाएगा नहीं अब देखो तो दिख रहा है कि पंद्रह से ज्यादा बढ़ गया तेरह करोड़ लीटर बढ़ गया नहीं बेटा yes. yes. तो पहले अंबानी पूछता है ना तो बोला कि, तो कि प्रॉफिट दस से बीस करोड़ के बदले सिर्फ बारह करोड़ क्यों हुआ प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ तो बोले कि सर नई नई मशीन खरीदनी पड़ गई नया नया चीज हुआ इसलिए थोड़ा खर्चा हुआ और कुछ कुछ मजदूर जो है ना वो बीमार भी पड़ गए थे कुछ कुछ मजदूर जो है वो बीमार भी हो गए हलो था 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 था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नौ बजे के बाद होगा बेटा मैं मैसेज कर देता हूं आप नौ बजे के बाद ज्वाइन करेंगे ठीक है ना आप मैसेज कर दो ग्रुप में समझ गए कि ज्वाइन एट नाइन फिफ्टीन ओके ओके बेटा हाँ तो यहां क्या करो कि आप देख रहे हो यहां पे कि बीच वाले स्लॉट में जो है ना वो तो फायदा कम हुआ तो बोले कि क्यों हुआ कम तो क्योंकि कुछ बीमार हो गए कुछ मर गए उनको इंश्योरेंस देना पड़ा कुछ मशीन बदलनी पड़ी तो बोले अच्छा चलो ठीक है बीमार हो गए मर गए चलो चलेगा बाद में तो ठीक है अब ये बताओ कि ये प्रोडक्शन कम क्यों हुआ अरे पैसा प्रॉफिट कम हुआ थोड़ा कंपनी में खर्चा ज्यादा हुआ प्रोडक्शन कम क्यों हुआ तो सर इसलिए हुआ क्योंकि इस बार जो 500 नए आदमी हमने जो लिए थे उन सब की उम्र 45 वर्ष से ऊपर थी कितनी थी तब बोला अरे भाई तो ये क्यों इसको ऐसे ऐसे नौकरी पे रख दिए तो बोले की सब का सिफारिश था तो कुछ का रिजर्वेशन था तो कुछ का ये था वो था बोले अरे मतलब यही जो तुमने ये सब आदमी को जो काम दिया तो ये आदमी काम के बदले ये सब मरेगा ही ना जी मशीन में किसी का हाथ चला जाएगा सबका रिफ्लेक्स एक्शन कमजोर हो रहा है क्या समझे तो ये तो दिक्कत होगा ओहो, चलो कोई बात नहीं ये बताओ कि बाद वाले में ये प्रॉफिट कैसे हुआ इतना जबरदस्त सीधे बारह से पच्चीस करोड़ का प्रॉफिट तो बोला गया कि सर प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा था वर्कर्स भी अच्छा था। हाँ तो ये जो है ना आपका एक मिनट बेटा प्रार्थना थोड़ा वेट करो पांच दस मिनट के बाद से क्लास लूंगा मैं ठीक है ना या पंद्रह पंद्रह मिनट बाद से क्लास लूंगा बेटा ठीक है मैं मैसेज कर देता हूँ ओके ओके सर हाँ ओके 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 वेट वेट वेट, वेट, वेट इवनिंग सर हाँ संभव 15 मिनट्स वेट करने के बाद ज्वाइन करो बेटा चलिए ओके सर <laughs> तो यहां पे क्या हुआ बेटा कि इन्होंने कहा कि उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया है सर और प्रोडक्शन के बाद कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगा इन लोगों में और ये लोग काम भी बहुत अच्छा किए तो जल्दी से इसका प्रॉफिट बढ़ गया और मशीन भी हमको बदलना नहीं पड़ा तो खर्च भी कम हुआ तो बोला कि ऐसा क्या किए तुम इसमें तो बोले सर इस बार हम जो कंपनी में लड़का लिए ना वो सब बोले पच्चीस से तीस हम लोग इस एज से ऊपर का नहीं लिए तो ये सारा काम ये जबरदस्त करता है सर कि क्या बताऊ तो सारे लोग बोले कि तब तो भाई बहुत अच्छी बात है ये तो मतलब कम उम्र वाला इतना ज्यादा है तो ये बहुत सारा बहुत अच्छा काम किया है है ना तो बेटा आप लोग पंद्रह मिनट में ज्वाइन करो ठीक है ना मैं थोड़ा दूसरे क्लास का जूनियर का एक ले रहा हूँ क्लास तो देखिए यहाँ तो इस जगह पे क्या हुआ कि ये जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है वो इस वजह से था तो अब अंबानी के पास लिमिटेशन क्या है कि ही कैन नॉट अफोर्ड मोर देन 1500 वर्कर इन द कंपनी समझ में आ रहा है लिमिटेशन कि 1500 से ज्यादा को तो वो रख नहीं सकता है और 25 करोड़ के फायदा से उसको फायदा क्या करना है बढ़ाना है नहीं आदमी तो ये चाहेगा ना कि 25 करोड़ से बढ़ जाए क्या और 10 यहां जो 10 करोड़ लीटर जो तुम्हारा था उस 10 करोड़ लीटर से सिर्फ 15 करोड़ लीटर हुआ था 5 करोड़ लीटर बढ़ के आदमी हुआ था तो मानिए सीधा सीधे डिसीजन लेता है कि भैया ऐसा करो कि ये जो स्लॉट है इसको खाली करो ये जो 500 आदमी जो बूढ़े बूढ़े को रखे थे हमारा प्राइवेट काम है तो इसको एकदम खाली करो सीधा सीधा खाली करो तो तुम देखोगे कि 500 आदमी जब खाली हो जाएंगे तो हमारे पास जो 28 करोड़ था उसमें से पांच करोड़ प्रोडक्शन घट जाएगा तो क्या आएगा 23 करोड़ 20. अगर पांच करोड़ लीटर का प्रोडक्शन घटेगा इस पांच सौ आदमी से तो आ जाएगा कितना तेईस करोड़ लीटर और यहां जो दो करोड़ रुपया का और ज्यादा फायदा था वो घट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा तेईस करोड़ रुपया आएगा यही होगा ना और आदमी हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे एक हजार <laughs> क्योंकि 500 आदमी को घटाएंगे तो एक हजार होगा तो हम 2003 में इस एक हजार आदमी को बोले कि तुम लोग काम करो और ओवर टाइम में 500 आदमी का काम करो मतलब उन सारे आदमी को बोलो कि थोड़ा सा पैसा बोनस में ले क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है और थोड़ा सा वो ओवर टाइम काम करेगा जो हजार आदमी है वो क्या करेंगे बेटा ओवर टाइम काम मतलब पंद्रह सौ आदमी का काम करेंगे तो ये हजार आदमी का जो एवरेज है इधर तेईस करोड़ और तेईस करोड़ का आधा कितना हुआ साढ़े ग्यारह मतलब मान के चलो दस करोड़ रुपया का काम तो करेगा कम से कम है ना और प्रॉफिट में देखो तेईस के बदले यहां और कम से कम दस करोड़ लीटर बढ़ाएगा तो तैतीस करोड़ लीटर तो कम से कम बढ़ाएगा ना तो बिना कुछ किए उसके एक डिसीजन से कंपनी को कितना बड़ा फायदा हो रहा है आप देख रहे हैं सीधे ना उसने किसी आ, कुछ काम किया एक डिसीजन लिया डेटा को एनालिसिस किया और दस करोड़ का प्रॉफिट उसका कम से कम हो जाएगा नहीं बेटा इस इस yes, इस दस करोड़ के प्रॉफिट को तुरंत कन्वर्ट कर सकता है वो तो ये हुआ और उसके बाद जो नए आदमी होंगे वो क्या करेंगे वो पहले से प्रेशर में रहेंगे कि हमको ये टारगेट है इस दस करोड़ फायदा देना है या दस करोड़ लीटर हमें पेट्रोल सेल करना है है ना क्योंकि उसने देख लिया कि यहाँ पे जो पांच सौ आदमी थे उसको सीधा सीधा नौकरी से निकाल दिया गया है ना तो ये बात तो सबके दिमाग में रह जाएगी ना बेटा बोलिए यस सर तो हम लोग करते क्या है बेटा डेटा को एनालिसिस करते हैं और हम इस डेटा को अच्छे से स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि हाउ टू डील विद द डाटा दैट इज कॉल्ड डेटा क्लियर है बेटा यस सर अब अब ये डेटा को डील करने के लिए जैसे आपके पास तो न्यूमेरिकल वैल्यू था आपने देखा था नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर ऑफ प्रॉफिट न्यूमेरिकल वैल्यू इन द प्रोडक्शन और यही जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना यहाँ पे इसके नेम बदल जाते हैं और वो नाम बदल करके बनता है मीन मीडियन मोड हम जो चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ग्राफ पेपर में देखते हैं और हमारा ये जो नाम है वो बदल करके हो जाता है मीन मीडियन एंड मोड क्लियर है yes. Yes, sir. और हम लोग जनरली क्लास टेंथ तक टेंथ तक मीन मीडियन और मोड पढ़ते हैं पूरे टेंथ क्लास तक ठीक है तो एक क्लास और मैं आपको दूंगा उसमें मैं आपको इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा क्लियर है मीन मीडियन एंड मोड कि किस तरह से हम मीन मीडियन एंड मोड को सॉर्ट आउट करेंगे निकालेंगे और किस तरह से हम मीन का दूसरा नाम होता है मीन मीडियन मोड का डेफिनेशन जान जाओ मीन का मतलब होता है एवरेज एवरेज का मतलब ऐसे समझ लो कि मान लिया जाए आज आप स्कूल गए टोटल छ घंटे तीस मिनट स्कूल में रहे कल आप स्कूल गए तो छः घंटे रहे आप ठीक है ना परसों आप स्कूल में गए तो छः घंटे पंद्रह मिनट रहे उसके पहले स्कूल में गए तो पांच घंटे तीस मिनट रहे ठीक है ना उसके पहले स्कूल गए तो पांच घंटे पैंतालीस मिनट रहे ठीक है तो ये बताता है अब आप जब स्कूल जाते हो और इस पांच दिन का अगर हमारे पास रिपोर्ट ऐसा है तो बच्चों हम ये नहीं कहेंगे कि आप स्कूल जाते हो तो कम से कम छो घंटा तो लग ही जाता है कह सकते हैं? बोलो। yes, तो ये जो एवरेज है, यानी कि अगर मान लो पहले घंटे हम 40 किलोमीटर के स्पीड से चलाए फिर 50 की स्पीड से चलाए फिर 60 की स्पीड से चलाए तो तीन से जब ये डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 50 तो हम कह सकते हैं कि लगभग न ज्यादा न कम पचास एवरेज है है ना होता yes. है एवरेज कोई कोई चीज का आप लोग अपने लाइफ में निकाले हो कि नहीं so, निकाले चलिए ठीक है अब हम बात करते हैं मीडियन के बारे में मीडियन हम कहते हैं कि सबसे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं किस में लिखते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर

सुयस बोलता है कि सर मैं क्रिकेट टीम में इंडियन क्रिकेट टीम में जाना चाहता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है अच्छी बात है सुयस पर ये बताओ कि तुमने आज तक कितने मैचेस खेले हैं तो सुयस बोलता है कि सर हमने जो है ना टोटल अभी तक 25 मैच खेले हैं तो मैं बोला वेरी गुड वेरी गुड क्या रन क्या बनाया हो तो सर दो रन मैं बोला मतलब दो रन क्या बोला मेरा हाइस्ट है सर दो अरे वाह बहुत अच्छा है लेकिन बेटा 222 मेरे को नहीं सुनना मेरे को ये बताओ कि तुम सबसे कम रन कितना बनाए हो इस 25 मैच में बोला सर जीरो पे भी आउट हुए मैं बोला वो तो ठीक है चलो हम जीरो को इग्नोर करें चलो तो सर बहुत मारते हैं सर मैच जिताए हुए हैं सर छो छो को मैच जिताए हैं एकदम अकेले मैं बोला वो छोड़ दो ये बताओ कि न तुम्हारा जीरो हम गिनेंगे न तुम्हारा दो बाईस रन गिनेंगे तुम बताओ कि अगर तुम्हारे सारे पच्चीस इनिंग के रन को देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रीन को फिर प्रेजेंट करेंगे दिखाएंगे कि किस तरह से हम मीडियन निकालते हैं तो हम यहाँ पे मीडियन के लिए ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे तो सुयस का रन था जीरो छोटा से बड़ा किधर जीरो 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 फिर हुआ दस रन फिर हुआ बारह रन फिर हुआ पच्चीस रन फिर हुआ सिक्सटी सिक्सटी फाइव फाइव रन हाँ फिर हो गया सेवेंटी रन ठीक है फिर हुआ सेवेंटी रन एक मिनट इधर और भी नंबर डाल देते हैं हम पंद्रह रन अट्ठाईस रन बुरा तो नहीं लग रहा है ना सुस नो सर फिर यहाँ सिक्सटी नाइन रन ठीक है इस तरह से एक मिनट एक मिनट समी है एंड लेट नहीं कोई तो नहीं है चलो तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया कि 25 इनिंग के रन को यू अरेंज किया और बाद में था 222 रन तो हमने देखा कि 12 इनिंग इधर 12 इनिंग इधर बीच वाला जो इनिंग है उसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे थे कि बीच क्या हुआ तेरहवा इनिंग एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह यानी हमने क्या बोला सत्तर रन मतलब हमने सुयस का मार्किंग क्या किया कि सुयस सत्तर रन बनाने लायक है और सत्तर रन मतलब बेस्ट अच्छा होता है नहीं सुयस किसी इनिंग में कोई सत्तर बना दे तो मतलब गुड तो हम जो है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को स्टडी किए अब बताओ सुइस का दो सौ बाईस ले लेते तो पार्सिलिटी होता मतलब खाली उसके अच्छे रन को गिने हैं और अगर ये चार गो जीरो को गिन लेते तो ये भी उसके साथ बुरा होता कि खाली बुरा रन गिने हैं तो हमने क्या किया नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया और ये असेंडिंग ऑर्डर जो है वो क्या हो गया मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन दे दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं मीडियम क्लियर है बेटा Yes, <laughs> बिल्कुल सही yes, बिल्कुल ये आवाज आ रहा था, कोई जाके आ रहा है ऐसा तो नहीं है ना टुन टुन आवाज हो रहा था चलिए आगे बढ़ते हैं तो मतलब ये हो गया मोस्ट अब एक और चीज बताते हैं आपको मोड कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मोड चाहिए मोड का मतलब होता है जो चीज ज्यादा बार आया जैसे यहाँ जीरो कितनी बार आया है चार बार तो हम इसी को मोड कहेंगे अब ये बात अलग है कि किसी पर्टिकुलर देखो हम लोग बट इट इज नॉट एक्चुअली कि सुयस ने रन स्कोर किया है तो हम लोग में चेक करने के तरीके का नाम है मीन मोड अब वो तरीका से तुम सही को ढूंढ पाते हो कि गलत को ढूंढ पाते हो या कौन से तरीका से कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक डॉक्टर से वैष्णवी इलाज कराती है फिट हो जाती है उसी डॉक्टर से प्रकृति इलाज कराती है तबीयत गड़बड़ हो जाता है ऐसा होता है कभी तो डॉक्टर वही है बट जो उसका तरीका है टेस्ट करने का मोड का वो उस वजह से वो चीज यहाँ पे जीरो काउंट होगा मतलब मोड क्या हो जाएगा सुयस के लिए काउंट जीरो अगर जीरो के बदले ये दस रन को ही बना के रखता तीन बार तो मोड क्या हो जाता दस क्योंकि जो रन ज्यादा बार बना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको हम मोड कहेंगे क्लियर है बेटा हम मीडियन, मोड yes, मीन मोड, वर्ड से हुए? बोलिए मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और मोड का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्लियर है बेटा बोलिए। यस सर यस सर तो आप लोगों को मैं हमेशा चाहता हूं कि ये डेटा हैंडलिंग चैप्टर अच्छे से बनाइए अच्छे से पढ़िए